अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी टाइम के बाद यार व्लॉग बना रहा हूँ। एक तो होता है ना पेरेंट्स, एक होते हैं उनके भी पेरेंट्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं नाना बाबू के घर। काफ़ी दिन हो गए नाना बाबू लोग यहाँ पे आए हैं क्वेटा से, तो अब उनकी तरफ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मम्मी लोग भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि यार नाना बाबू की तरफ जाना है, इतने दिन हो गए हम आए हुए हैं। लेकिन मैं कराची गया हुआ था, मैंने उनको बोला इकट्ठे जाएंगे। तो अब फाइनली वो टाइम आ गया जो नाना बाबू की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इन सबको निकालते हैं बाहर, गाड़ी बाहर रेडी खड़ी है, सिर्फ बंदों का इंतजार। और आपको पता है कि औरतें बाहर नहीं निकलती घर से, तो अम्मी और सिस्टर को बाहर निकालते हैं और फिर जाते हैं नाना बाबू के घर। आपने हमारे साथ रहना है। तकरीबन 40-45 मिनट गाड़ी के अंदर इंतजार करने के बाद अब जाके अम्मी अब्बू लोग आ चुके हैं और शुक्र अल्लाह ताला का घर से निकल हैं। अब जा रहे हैं जी नाना बाबू के घर। तो आप सफर एंजॉय करें और मैं करूंगा ड्राइविंग, तो आप लोग साथ जुड़े रहें। यार ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अभी आ चुके हैं हम लोग नाना अब्बू के घर पे और यहाँ पे थोड़ा सा आराम करेंगे, खाना पीना करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, गपशप करेंगे। काफ़ी टाइम बाद बहन से मिला हूँ और फिर जाएंगे मामू के पास, मामू का घर भी इधर ही है, उनसे मिलेंगे, गपशप करेंगे और फिर जाएंगे घर, क्योंकि शाम को आई थिंक सो इवेंट है मेरा और इवेंट करना है फिर। सोना करना पाए गोर जनाजा बन गया। और ये बन रहा है जी खाला का घर, ये नाना बुलों का घर है इस तरफ, वो आपको दिखाते हैं। और ये है खाला का घर, ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे और ये इस मामू की निगरानी में हो रही है। भाई ये तमीर हो रही है इनकी। अभी हो रहे हैं 4:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं घर और जाके कामरान भाई के पास जाना है। उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार हम लेट हो रहे हैं इवेंट के लिए और आप किधर हो। मैंने गाड़ी भी क्योंकि लेके आया हुआ था, तो क्या पता इसमें जाना पड़ जाए हमें, क्योंकि रात को ठंड होती है। तो अभी यहाँ सबको करेंगे अल्लाह हाफिज़ और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से घर। यार सारे गाड़ी के पास मौजूद हैं लेकिन मेरी प्यारी वालिदा मोहतरमा जो है ना वो गई हुई है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए और वो लगा रही हैं टाइम, जिसकी वजह से हमें जाते हुए हो जाएगी देर। और कामरान भाई मेरा वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, मैंने उनको बोला मैं यहाँ से निकल गया हूँ लेकिन मैं अभी तक स्टिल इधर ही हूँ। तो अभी जैसे वो आएंगी तो फिर हम लोग यहाँ से मूव करेंगे घर के लिए। फाइनली अल्लाह के फजलो करम से और खैर खैरियत से हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं। कल रात को जो हमारा इवेंट हुआ था उसके बाद हमारे पास कैमरे थे, वो हम लोग घर से उठाए। अभी कामरान साहब का वेट कर रहा हूँ, वो कैमरे वगैरह लेके आ रहे हैं। तो अब ये लोग लेके जाएंगे सारे कैमरे कामरान उस्मान के घर पे और वहाँ पे उसको देंगे, चार्ज करेंगे और अभी हम लोग जाएंगे फिर इवेंट पे। तो अभी कामरान पे आएंगे, उनके हवाले करेंगे स्टीयरिंग, मेरी तो चला चला के गाड़ी होगी बस।
तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, काफ़ी देर से फोन कॉल किया था लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं और मैं बड़ा शदीद तंग हुआ पड़ा हूँ, तो स्टिल वेटिंग। आज तो कामरान भाई ने भी औरतों वाला इंतजार कर रहा है भाई जान, कितनी देर से मैं बाहर खड़ा हूँ और आप अभी आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं है भाई के पास, लेकिन भाई अब आके ड्राइविंग जरूर करेगा। भाई इधर आओ ना, कल मैंने भी तो किया था ना। क्या किया आपने कल? वो आप तो इंतजार कर सकते हो ना यार, हम नहीं कर सकते इंतजार, हमारे व्यूअर्स को बताएं जी आपने इतना इंतजार करवाया। चलो तुमसे गाड़ी भी नहीं चलती, निकलो, कुत्ते वाली हो गई है, मैं फील कर रहा हूँ अभी। क्या मेरा मतलब है भाई को देते हैं स्टीयरिंग और हम करते हैं आराम। तो कामरान भाई ने आज तकरीबन 3 महीने के बाद गाड़ी ड्राइव करने की खुशी में चाय पिलाई है और चाय का कप मेरे पास पड़ा हुआ है, और उस्मान देख लो तुम चाय नहीं पिलाते लेकिन कामरान ने चाय पिला दी है। बात तो मुझे ठीक है ना? ठीक है उस्मान, ये वाला जो सीन है ना स्पेशल तुम्हारे लिए, और बुरहान का बेटा पैदा हुआ है, हमें बड़ी खुशी है। और हाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि यार आज हमें आज दिन में मैं चौथी खुशखबरी सुन रहा हूँ कि 3 बंदों ने मुझे मामा बनाया, ठीक है, और बुरहान ने मुझे चाचू बनाया। तो बुरहान को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह उसको हज़ारों खुश नसीब करे, उसके बच्चे को हज़ार खुश नसीब करे। यार मामे चाचे तक तो बात ठीक थी, पता नहीं यार अब्बा कौन बनाता है अभी ये जल्दी जो चीज़ है ना ये पेंडिंग है अभी, तो आप सारे मिल के दुआ करो। मैं और कामरान भाई जाना, चाचू और मामू तो बन गए हर जगह से, अभी अबू भी हम लोग जल्द बन जाए। आपके क्या कमेंट्स हैं अबू वाली फीलिंग पे? यार इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करने वाला है, उसने जिस दिन जो निज़ाम लिखा है वो उसी दिन ही होना है, अल्लाह आपको जल्द अबू बनाए। आमीन। फैंसी मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहला काम भाई ने क्रेन रेडी कर ली है ताकि ये लेट ना हो जाए, गेस्ट आएंगे तो उनको रिसीव करना है, तो अभी ये सेटिंग कर रहे हैं अपनी क्रेन की और इसके बाद ये कुछ सीन्स वगैरह लेंगे, लेकिन मेरी तो होगी बस और मैं इनको यहाँ पे करूँगा अलविदा, मैं जाऊँगा घर, सुबह से तंग आ चुका हूँ घूम फिर के। ये अफसर लोग हैं, अफसर लोग जाके आराम ही करना है, हम मजदूर बंदे हैं, सुबह ड्यूटी करो 8 से 4 बजे तक, फिर शाम को आके इवेंट करो, तो बॉस लोग हैं भाई, उन्होंने तो सोना है जाके। तो कमरान भाई मुझे जाते हैं जी सर, आप जा सकते हैं और जाके आराम करें, हमारे हक में दुआ करें, कल मेरे साथ आएंगे इवेंट में? हाँ देखते हैं, जहाँ का टिकट निकल आया वहीं पे चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ आएंगे जी, कोशिश तो है, मैं तो कोशिश करता हूँ भाई सो जाऊँ। कल छुट्टी है ना? हाँ कल छुट्टी है भाई की, कल छुट्टी, एक संडे भी मेरा जो है ना वो खाली नहीं गुजरा, ठीक है, मुझे इन्होंने बिजी रखा है। अच्छी बात है, पैसा कमाओ। और यार पैसा क्या कमाना है, साथ साथ आराम भी तो करना होता है ना। आराम तो क्या, सारी जिंदगी आराम नहीं किया? हाँ, पैसे कमाने की बारी है। तो पैसे कमाने के बाद भी आराम ही करना है, तो पहले क्या हूँ कर लूँ? आओ मुझे बाहर तक छोड़ के नहीं आओगे? हाँ बाहर का छोड़ के आऊँ भाई, तुम आओ बाहर तक मुझे छोड़। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और याद रखें हमारी इस वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया, आपस की बात है, सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ आपस की बात है, कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों से, हो सकता है आपके भाई लोग वायरल हो जाएं कभी ना कभी, तो फिर जैसे आप लोगों ने 3-2-1 पिल्ले को वायरल कर दिए, हाँ तो फिर आप लोग ही फख्र करेंगे, हमारे इलाके के लोग भी ऊपर चले गए, हाँ फिर आप ही लोग सेल्फियाँ बनाने हमारे साथ आएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।